मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। मॉरिशस से पेरिस जाने वाली एयर फ्रांस की फ्लाइट को केन्याई कोस्टल सिटी मोम्बासा में अचानक लैंड करना पड़ा। एक केन्याई पुलिस अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट के शौचालय के पास एक संदिग्ध डिवाइस मिला था। इसे लेकर बम होने की आशंका प्रबल हो गई, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पुलिस प्रवक्ता चार्ल्स ओविनो ने रविवार को बताया कि बोइंग 777 एयर फ्रांस फ्लाइट 463 पेरिस के शार्ल द गोल एयरपोर्ट से रवाना हो गई थी। इसी दौरान पायलटों ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए माई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आधी रात को अनुरोध किया। अब इन्होंने कहा कि इस फ्लाइट में 459 पैसेंजर थे। इसके साथ ही बोर्ड पर चालक दल के 14 सदस्य सवार थे। फ्लाइट मॉरिशस से स्थानीय समयानुसार रात 9 बजे उड़ान भरी थी और इससे पेरिस सुबह 5:50 पर पहुंचना था। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।